स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। तो देखिए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारे पास में क्या है। इसमें सबसे पहले देखिए, इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ SRCl2 और CDCl2 इज एडेड इन मेल्ट NaCl, इट इज क्रिस्टलाइज, देन सम प्लेसेस ऑफ Na+ आर ऑक्यूपाइड बाय SR2+ और CD2+। देखिए बच्चों, कि हम लोग इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट को किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, कि जिस तरीके से देखिए कि हमारे पास में यहाँ पर एक बीकर है। क्या है हमारे पास में यहाँ पर? बीकर है, और इस बीकर में आपके जो NaCl जो है वो मेल्ट पोजिशन में, किसमें? मेल्ट पोजिशन में यहाँ पर NaCl जो है वो हमारे यहाँ पर क्या है? फिल है। क्या है इसमें? NaCl फिल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ थोड़े बहुत अमाउंट के अंदर जब हम इस मेल्ट NaCl के अंदर हम क्या डाल देते हैं, यदि हम SRCl2 और CDCl2, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक हम इसमें अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है? देखिए बच्चों, यहां से जो SR है, क्या होगा क्या इसमें, कि यहां से जो SR जो है, ये SR क्या करेगा कि SR और Cl इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हुए रहते हैं, तो ये दोनों यहां से टूटेंगे और क्लोरीन जो है इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से निकल जाएगा, जिससे क्या होगा कि SR जो है, क्या है बच्चों, SR जो है ये क्या हो जाएगा आपके SR2+, और Cl जो है ये क्या हो जाएगा 2Cl- यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये तो यहां से बाहर निकल गए, ये तो यहां से क्या हो गए, बाहर निकल गए। ठीक है, आपके पास बचा क्या? SR2+। अब SR2+ जो है वो क्या करेगा बच्चों, यहां से सोडियम आयन्स को, किनको? यहां से सोडियम आयन्स को। क्यों सोडियम आयन्स को? क्यों ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है और ये पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयन होने की वजह से और क्या नाम है, ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, सोडियम आयन्स को यहां से बाहर निकाल देगा। तो दो सोडियम आयन्स को यहां से बाहर निकाल देगा, तो मैं यूं कह दूं कि ये क्या है नाम से, यहां से 2NaCl क्या नाम से जो सोल्ट जो है उसको लेकर के बाहर निकलेगा या इसको हटा देगा। तो और इसकी जगह, इस सोडियम आयन की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, दो सोडियम आयन्स की जगह एक आपके क्या आ जाएगा, SR2+ यहां पर आ जाएगा। कितने सोडियम आयन्स की जगह? दो सोडियम आयन की जगह एक SR2+ यहां पर आ जाएगा, जिसके कारण क्या होती है बेटा जी, इनके अंदर क्या आ जाती है, इंप्यूरिटी आ जाती है। क्या जाती है? इंप्यूरिटी आ जाती है। बस इंप्यूरिटी तो आ जाती है, बट इनकी न्यूट्रलिटी जो है, इस क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी जो है वो बरकरार रहती है, ये अभी भी न्यूट्रल पोजिशन में ही रहता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो देखिए, हम यहां पर चलते हैं, हमारे पास में एक क्रिस्टल है जिसके अंदर आप लोग ये क्रिस्टल देख रहे हो कि यहाँ पर NaCl, ये है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर होता क्या है कि जैसे देखिए बच्चों, यहां से आपका एक Na यहां से हटता है, यहां से निकाल देता है। ठीक है, और आपके यहां पर क्या आगे बैठता है, SR2+ यहां पर आकर के बैठता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से दो Na आयन्स निकलने होते हैं, तो एक Na आयन्स में यहां से निकाल देता हूं और एक ब्लैंक स्पेस यहां पर आपको बचता है। तो ये SR2+ जो है ये यहां पर इन जो सोडियम आयन की जगह है वो ऑक्यूपाई कर लेता है और एक सोडियम आयन यहां से बाहर निकल जाता है, जिस कारण से इस क्रिस्टल के अंदर क्या आ जाती है, इंप्यूरिटी आती है। क्या आती है बच्चों इस क्रिस्टल में? इंप्यूरिटी आ जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको ही हम? इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप ऐसा लिया है, यदि हम लोगों ने CDCl2 से करवाई किया तो यहां पर आपका CDCl2 भी आ सकता है। ठीक है, CD2+ यहां पर आ सकता है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखना है। तो चलिए जल्दी से आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।